फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट। आज हमारे पास क्लास टेन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मीन्स हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों में से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें एक्स और वाई वैल्यू को निकालने में आसानी हो। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई बी माइनस बी वाई वाई ए इजकल टू ए प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स वाई बी माइनस बी वाई वाई ए इजकल टू ए प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू होगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बाई ए बी। यहाँ से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर वाई बाई ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई हम कर देंगे ताकि यहाँ पे वैल्यू सिंप्लीफाई और ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इसका टू ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। हमारे इक्वेशन सेकंड क्या दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई इजकल टू टू ए बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें या तो एक्स या तो वाई, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो कोफिशियंट एक्स या कोफिशियंट वाई, दोनों का जो कोफिशियंट है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई का जो कोफिशियंट है इक्वेशन फर्स्ट में वो बी स्क्वायर है, वहीं पे इक्वेशन सेकंड में वाई का कोफिशियंट बी है। मीन्स यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे बी स्क्वायर की ज़रूरत होगी। अगर हम y की वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें b स्क्वायर की ज़रूरत होगी। इसको b स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में b से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, जिसके बाद हम आराम से y वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ए बी एक्स माइनस बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे होगा बी स्क्वायर वाई इजकल टू इसमें करेंगे टू ए बी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे का देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, अगर इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं तो हमारा वाई की वैल्यू इलिमिनेट हो जाएगा और हमें एक्स की वैल्यू निकल सकता है। चलिए लिख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इजकल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। और हमारा थर्ड इक्वेशन है ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यह वैल्यू कट आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस ए बी एक्स है ए बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे
यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस टू ए बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी हमारे यक्स है, तो यहाँ पे हम यक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर है माइनस टू ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बी। यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस है, माइनस वैल्यू हो जाएगा, और टू ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा आप क्या बचेगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बी को कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारा स्क्वायर बचेगा तो यहाँ बचेगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ भी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ भी है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का भी सिंबल है, तो ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी, मीन्स हमें यक्स की वैल्यू बी मिल गया। ठीक है, अगर हमें यक्स की वैल्यू बी मिल गया तो हम वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इजकल टू टू ए बी, हमें x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख दें तो हमें y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो चलिए इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा जो है इक्वेशन सेकंड एक्स माइनस बी वाई इजकल टू टू ए बी, एक्स का वैल्यू हमें हमने पहले निकाल दिया है बी, तो यहाँ पे बी को पुट कर देते हैं ए बी माइनस बी वाई इजकल टू टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू होगा बी वाई इजकल टू टू ए बी माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा टू ए बी में से ए बी माइनस कर देंगे ए बी माइनस बी वाई। क्लियर? अब यहाँ से हम माइनस बी को नीचे भेज देते हैं, तो वाई इजकल टू ए बी बाई माइनस बी। ठीक है, तो ए बी माइनस यहाँ से बी कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।